बजे 450 अभी हम आए चर्च पॉइंट के पास और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लुपिन्स खिले हुए हैं। सो हमें करना है यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट शूट और इस तरफ आप देख सकते हो कितने लुपिन्स है बहुत सारे। सो यहाँ पे वीडियो वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा आता है इंस्टाग्राम के लिए। सो फूल देख सकते हो आप कितने सारे है इस तरफ बहुत ज्यादा यहाँ पे लेकिन एलो नहीं करते हम एक्चुअली यहाँ लोकल्स है सो इसीलिए हमें थोड़ा लेकिन यहाँ से परमिशन लानी पड़ती है नीचे गोल्फ कोर्स से फिर आपको यहाँ पे अलो करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 27 जून। सो अभी हम जाएंगे टेंट कॉलोनी की तरफ और अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अगर फेसबुक पेज पे देखो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गुलमर्ग में आज बहुत ही अच्छा वेदर है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द व्लॉग, व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना काफी मजा आने वाला है। जी गाइस अभी बजे है 10:30 दिन के। सो अभी हम पहुंचे हैं टेंट कॉलोनी और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यू है इस वक्त और गर्मी भी बहुत अच्छी है आज गुलमर्ग में। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, अभी आप करो टेंट कॉलोनी के कुछ शॉर्ट्स इंजॉय और यहाँ पे ना बहुत सारे टेंट लगे हुए। सो गाइस ये देख सकते हो आप अभी 10:30 बजे सुबह सुबह की व्यू आप देखो कितनी खूबसूरत है और इधर भी टेंट लगे हुए हैं और इस तरह भी बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं। गाड़ी हमने वहाँ पे रखी है आल्टो और यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत व्यू है ये देख सकते हो आप। ये देखो भाई साहब क्या खूबसूरत व्यू है। सो गाइस जो मेन टेंट कॉलोनी है वो वहाँ पे है और वहाँ पे ना अभी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पे आपको चाय वगैरह भी मिलेंगे, छोटी छोटी वो टपरियाँ मिलेंगे, चाय मैगी कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और इस वक्त 10:30 बजे है और फिर भी आप देख सकते हो कितने लोग हैं अभी यहाँ पे। सो गाइस ये जो एरिया है ये टेंट कॉलोनी एरिया, यहाँ पे जो है वो टेंट लगे हुए होते हैं, अपना भी लगा सकते हो। ये आपको रेंट पे मिलेंगे ये वाले टेंट, इनमें वाशरूम वगैरह अच्छी तरीके से होता है। सो वो घोड़ा देखो आप, बहुत तगड़ा घोड़ा है वो। टेंट कॉलोनी में घोड़े बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया घोड़े। सो इस तरफ जो है वो और इस तरफ जो है वो पटूटू फार्म और वहाँ पे ना एक लोगो बना हुआ है जो कि पीस रिप्रेजेंट करता है, आपको मैं दिखाऊंगा वो लोगो। तो यहाँ से देखो इस तरफ जाता है बूटा पसरी और यह है टेंट कॉलोनी एरिया और इधर से ही पटूटू फार्म। पहले वहाँ पे स्ट्रॉबर वगैरह होते थे और फिर आजकल पटेटो वहाँ पे उगाते। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे बना है लोगो जो कि पीस को डिफाइन करता है, ये लोगो देख सकते हैं इस तरफ से कुछ है, दूर से अच्छे अच्छा दिखाई दे रहा है, पास से थोड़ा अब देख सकते हैं। मैं थोड़ा कैमरा को ऊपर करता हूँ, गाइस हम यहाँ तक चढ़ गए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा थक गए और यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है गुलमर्ग की। और इस तरफ जो एरिया है वो है बूटा पसरी और बाकी अब देखो आगे की व्यू कैसी है। अभी यहाँ से पूरे गुलमर्ग की व्यू बहुत अच्छी है और वो आप देख सकते हो वहाँ पे शिपर्ड हाउसेस है, वहीं से जाते है बूटा पसरी भी। गुलमर्ग ना आजकल बहुत खूबसूरत है, समर में भी बहुत खूबसूरत होती है और टेंट कॉलोनी देखो कितनी बड़ी है। इस साइड आप आराम से टेंट लगा सकते हो, देखो अगर आप मेन गुलमर्ग में टेंट लगाओगे वहाँ पे आपको कोई इशू हो सकता है पुलिस से। सो टेंट कॉलोनी इसलिए बनी है, यहाँ पे आप खुद का टेंट भी लगा सकते हो। सो अगर खुद का टेंट नहीं तो रेंट पर भी आप कर सकते हो वो टेंट लगे हुए वहाँ पर। वो देखो गाइस टूरिस्ट कहाँ तक जा रहे हैं, वो ऊपर तक है इसका रास्ता और वहाँ पे आलू फार्म सामने ये। और अब गाइस अगर आप ये वाले टेंट रेंट करते हो सो आपको लाइट का कोई इशू नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे अंडरग्राउंड है इलेक्ट्रिसिटी। दीज आर द टेंट्स यू कैन रेंट हियर। सो ये देख सकते हो आप यहाँ पे आपको मैगी वगैरह कॉफ़ी मिलेगी। सो गाइस वो देख सकते हो आगे जो है सनशाइन पीक की व्यू बहुत खूबसूरत है यहाँ से और सामने जो नदी है ना ये और भी मस्त दिख रही है। तो गाइज अगर आप शाम के टाइम इवनिंग के टाइम यहाँ पे आओगे आई थिंक उस टाइम ज़्यादा बेटर है ये प्लेस
सो जब भी आप आओगे गुलमर्ग इवनिंग टाइम में आप इस जगह पे आना, उस टाइम अलग ही व्यू होती है और क्लैरिटी उस टाइम ज़्यादा होती है। इस वक्त थोड़ा धुंध है, जो कि सुबह सुबह वेदर अच्छा होता है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है और दिन में फिर जो धुआँ वगैरह होता है एटमॉस्फेयर के साथ, सो विजिबिलिटी कम होती है। सो आई रिकमेंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, सो आफ्टर 4-5 PM आप यहाँ पे आना। दिस इज़ द फेस्टिवल एरिया जहाँ पे बुमरो बुमरो मिशन कश्मीर का एक सॉन्ग शूट हुआ था, उसकी आधी शूटिंग यहाँ पे हुई थी आधी श्रीनगर में। सो ये देख सकते हो अपनी खूबसूरत व्यू है, और इसके अपोजिट साइड में गोल्फ कोर्स जो कि काफ़ी फेमस गोल्फ कोर्स है, एशिया का सबसे हाई अल्टीट्यूड वाला गोल्फ कोर्स है, और यहाँ की व्यू बहुत खूबसूरत है। और चिल्ड्रन पार्क में बहुत सारी भीड़ है आज, वो देख सकते हैं वहाँ पे ना अभी स्टैंड भी जो है वो फुल है गाड़ियों से। सो अभी हम वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है और वीडियो पे बने रहिए। गाइस अभी मुझे 4:30, सो अभी हम आए चर्च पॉइंट के पास और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने लुपिन्स खिले हुए हैं। सो हमें करना है यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए कुछ कंटेंट शूट। सो व्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी है और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। सो हमारे साथ है शौकत भाई और एक भाई, तो गाइस लेट्स सी आपके साथ भी शेयर करेंगे जो भी हम रील्स वगैरह बनाएंगे। सो अगर वो आपको रील्स देखने हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो जल्दी से जाओ और हमें फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लेट्स। सो इस वक्त है बहुत बढ़िया व्यू और फूल पे बहुत सारे खिले हुए। ये हट बहुत मस्त लग रही है, ये देख सकते हो आप हट क्यों सजा, ये देख सकते हो आप लुपिन्स फील्ड। सो ये पॉइंट है बिल्कुल चर्च के पास, ये देखो कितने सारे फूल है। द होल एरिया इज गोल्फ कोर्स। सो गाइस लिटरली आप देखो कितनी खूबसूरत लग रही है इस वक्त गुलमर्ग बिल्कुल फूलों के बीच में। शौकत भाई यहाँ पे रील बनाएगा इंस्टाग्राम के लिए। सो व्यू बहुत खूबसूरत है, हमारा शूट हो गया है डन यहाँ पे, और इस तरफ आप देख सकते हो कितने लुपिन से बहुत सारे। सो यहाँ पे वीडियो वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इंस्टाग्राम के लिए भी और यूट्यूब के लिए भी आपको बहुत अच्छा आएगा। सो फूल देख सकते हो आप कितने सारे हैं इस तरफ बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन एलो नहीं करते हम, एक्चुअली यहाँ लोकल से, सो इसीलिए हमें थोड़ा यहाँ वहीं, लेकिन यहाँ से परमिशन लानी पड़ती है नीचे गोल्फ कोर्स से, फिर आपको यहाँ पे एलो करेंगे। ये लो भाई देखो कैसी रील बनी है, एक मिनट ये देखो कैसे वीडियोज आते हैं यहाँ पे बहुत खूबसूरत। सो गाइस अभी बजे 6:30, सो अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, अभी हम जाएंगे इस पॉइंट से वापस। सो देखते हैं आगे क्या होता है, आप हमारी वीडियो पे बने रहिए और चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लेट्स सी। तो इस वक्त की व्यू आप देख सकते हो, अभी ना धूप निकली हुई है और 1 बजे के बाद थोड़ा बादल आ गए थे, लेकिन अभी फिर से वेदर जो है वो क्लियर होने लगा है, और अभी काफ़ी सारे लोग आप देख सकते हो उस पॉइंट पे, और व्यू इस वक्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप विजिबिलिटी इस वक्त बहुत अच्छी है। सो गाइज इस व्लॉग को हम आज ही पे एंड करते हैं, अगर ये आपको आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।